पड़ा। प्रणाम लिया लंका का राजा रहो और तीन पॉइंट से आप लोग आगे बनकर 15 दिन लंका का राजा रहो। जब सीता जी का हरण किया तो भगवान राम चढ़ाई की, भगवान राम चढ़ाई के तहत लड़ाई है, मगर लड़ाई में मर चुका है। उसी समय नारद मुनि आए, बोले भगवान राम ये राज इतने मरने वाला नहीं है, इसके पास 20 भुजा है, 10 शीश है। वो कह रहे नाभि के अंदर अमृत है, अमृत जब ले वो फूट के पहला तब ले रावण मर ना सका। वही नारद मुनि युक्ति बताने की है, भगवान राम माँ दुर्गा का पूजा करो, हवन करो, माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाएगी, वरदान दे देगी, राम और तेरा पीछे पा जाएंगे। तुरंत भगवान राम 9 फूल लेकर के माई दुर्गा का पूजा करो, नारी शक्ति के माई दुर्गा परीक्षा ले रही भगवान राम का कि परीक्षा ले रही 9 फूल ले रहना, एक फूल को कब होगा। भगवान राम जब नए फूल देखा तो एक फूल को सोचो मैं अपन अखिया निकाल के चढ़ा के माई दुर्गा के कहा से मैंने बताया कि भगवान राम के नए कमल है फूल के समान है, जो ही अपन अखिया निकाले चले वही समय माई दुर्गा प्रकट हो तो वरदान दे जाओ भक्त जाओ राम आज के तुम लंका पर विजय पा जाओगे और रावण का पद हो जाएगा। भगवान चढ़ाई के दसवें दिन 9 की पूजा करने के बाद चढ़ाई कर ले प्रमाण मिला 20 बार मारे, कहा लगन 20 पूजा में 10 30 में 31 बार चलाए थे, 31वां बार ना फिर उसी विजय दशमी के दिन जब विजय पाए, इसीलिए विजय दशमी का त्योहार मनाया जाता है। अच्छा लंका से अयोध्या खुशी में वहां करो दीप जलाओ में दिवाली मनावा जा रही, लेकिन 10 मिनट के लोकगीत थे, ऐसे लोकगीत हो जो आप लोगों ने सुना समझे में मजबूर हो चुका कैसा मास्टर। यह सारा कावत है कि सुनिला हथेली के बयान मोरे बाबू
खोखला हाथ लिए इतना बड़ा जानवर हाथी ने तालाब में डूबा न नहर में डूबा न चढ़ी में डूबा कहां डूबे ए हाथ के हथेली में बाबा सुनिरा हथेली के बयान मेरे बाबू जी हाथी डूबल का हथेलिए कैसे हथेली में हाथी डूब गई समझे वाली बात है भाव है Oh,
हाथिया न माने बलिवान बोले बाबूजी हाथी डुबल हथेलिए मात्र पांच मिनट गाना पर ये दू पॉइंट आउट बड़ी बर्बादी भई दुनिया में लेकिन जौनी समय भगवान राम सीता जी के चौदह वर्ष का वनवास भयल लक्ष्मण जी संगा जाए तो तैयार हो गए अपने पत्नी और मिला सकेंगे ये और मिले जरा प्यार से एक लोटा पानी पिला दे जब वहीं उठकर पत्नी पहुंचनी लोटा का पानी आने बजे एक मिनट लेट कर दली एक मिनट देरी हो गई तीनों मूर्ति चल गई जंगल में वनवास के खड़ी रहे चौदह साल उर्मिला गुजरिया लेके हथेली पे चौदह साल तक उर्मिला खड़ी रही जब तक तीनों मूर्ति ना आ गई आखिरी पॉइंट कैसे